वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे फ्रेंड्स, जो मेरे टॉपिक्स है सॉल्यूशन लिया मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे 28 को दिया था मैंने क्वेश्चन। बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है बेस प्रॉब्लम्स अपसर अलजेब्रा का, ये परमुटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है मैंने दिया था। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स चूँकि उनके सोल्यूशन नहीं निकल पाए, मैं सोचा था वो सोल्यूशन निकाल लेंगे, बहुत बहुत ईजी मल्टीप्लीकेशन वाली है, बट वो भी नहीं हो पाया। बहुत मैक्सिमम फ्रेंड्स के आंसर गलत हो गए, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे दे सकूँ आपको सोल्यूशन और किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं हम। तो पहला हमारा जो है ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, कैसे आई, ये NBHM फॉर MSc 2017 जो नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स है का जो MSc का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। तो प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, बट ये थोड़ा नोटेशन ध्यान में रखना है कि सिग्मा टाउ परमुटेशन ऐसा नहीं एसेट कर सकते आप, देन टाउ सिग्मा टाउ विल बी परमुटेशन वेयर वी फर्स्ट अप्लाई द सिग्मा एंड देन अप्लाई टाउ। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया है कि पहले आपको सिग्मा अप्लाई करना है फिर उसके बाद टाउ में अप्लाई करना है, बट जनरल जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर इस मेथड से जाएंगे आंसर तो सिर्फ जस्ट अपोजिट हो जाएगा अगर हम जनरल से फाइंड करते। तो अब चलते हैं आते हैं हम सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो सोल्यूशन जो होगा हमारा स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये सिग्मा हो गया, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 4 3 8 7। ध्यान रखिएगा S8 है, तो S8 के कितने एलिमेंट्स होंगे, S8 जो है इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है। तो वही होगा यहाँ पे, तो ये भी होगा 4 3 8 7, ठीक है 4 3 8 7 और फिर ये 1। अब वो बच कौन कौन सा गया वो देख लेते हैं। 2 नहीं है तो 2 यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 5 नहीं है, 5 को इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6 नहीं है तो 6 को इंक्लूड कर लीजिए। ये हो गया हमारा सिग्मा, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी हो गए अभी। अब हम टाउ पे बात कर लेते हैं। टाउ का देख लिया एलिमेंट्स क्या क्या है, 5 4 8, तो 5 4 8 इसको हम परमुटेशन में लिख देंगे। दिस इज 4, ये हो जाएगा 4 8। अब रह कौन कौन सा गया, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 है तो 5 भी है, 6 और 6 नहीं है, 7 7 नहीं है, ठीक है। ये हो गया दिस सिग्मा टाउ। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये ध्यान में रखिए पहले सिग्मा और टाउ इनको राइट अप कर देना है, 1 4 4 3 3 8, ठीक है 3 8 हो गया, उसके बाद 8 7 हो गया, 7 1 हो गया, 2 2 5 5 एंड 6 6। सेकेंड दिस इज 5 4 8 8 5 1 1 2 2 3 3 6 6 एंड 7 7। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। अब कह रहे हैं कि पहला जो रूल्स दिया है ना अप्लाई, यहाँ पे भी फर्स्ट अप्लाई द सिग्मा, तो हम पहले सिग्मा वाले पे देखेंगे। तो 1 पे यहाँ पे 4 है, तो 1 4 हो गया, इस 4 को हम इस वाले में ढूंढेंगे, सेकेंड वाले में ढूंढेंगे। तो 4 वाले में इस 4 को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तो 4 मतलब यहाँ पे इमेज कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है ये 8 हो गया। अब इसी तरह इस यहाँ पे अब 2 है, तो 2 पे हमारा क्या, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 क्या है, तो ये 2 है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाइए 3, तो यहाँ पे 3 पे 8 है और यहाँ पे 8 पे क्या है, 5 है, 5 हो गया। अब आते हैं 4, तो 4 ये 4 4 पे 3 है और यहाँ पे 3 पे क्या है, 3 है, लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स 5, तो अब ये 5 पे 5 है और यहाँ पे 5 पे 4 है, ये 4 लिख लिया। नेक्स्ट ऊपर वाला देखते हैं, 6 में यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 पे यहाँ पे 6 है, नो प्रॉब्लम। अब 7 पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 पे क्या है, 1 है, नो प्रॉब्लम। अब 8 पे यहाँ पे क्या है, 7 है और इस वाले में देख लीजिए 7 पे क्या है, 7 है। तो अब देखिए ये आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी है, तो ये तो आएगा नहीं आगे वाले सीरीज में, आइडेंटिटी नहीं होगा तो हटा देंगे, दिस इज द आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी चला जाएगा। तो अब हम जो लिखेंगे, तो बनाएंगे हम जो अरेंजमेंट्स,
अब देखिए वन एट आ जाएगा, यहाँ पे एट लिख लेंगे तो एट वाला एट और सेवन आ जाएगा, फिर अब सेवन वाला देख लेंगे तो यहाँ पे सेवन और वन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब जो बचा हमारा थ्री फाइव है तो यहाँ पे फाइव एंड फोर आ जाएगा, ठीक है, और फिर फोर एंड थ्री आ जाएंगे, ठीक। तो अब ये बन गया वन एट सेवन और दूसरा थ्री फाइव फोर, थ्री फाइव फोर। तो ये सिग्मा और टाओ का आंसर हमारा मिल गया ये कि वन एट सेवन और थ्री फाइव फोर, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड आएंगे हम, ये जो हमारा टाओ है उस पर हम बात करेंगे, टाओ और सिग्मा वाला। तो पहला हमें ये टाओ वाला टर्म्स को लिख देना होगा, फाइव फोर फोर एट एट फाइव, उसका वन वन टू टू थ्री थ्री सिक्स सिक्स सेवन सेवन, ठीक है, हो गया ये तीन पाँच आठ, ओके। अब इसके बाद ये सिग्मा वाला वन फोर फोर थ्री थ्री एट एट सेवन सेवन वन टू टू फाइव फाइव सिक्स सिक्स, ठीक है, ये हो गया हमारी बात। अब टाउ और सिग्मा की बात कर लेते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब इसी के थ्रू जाएंगे हम सिग्मा टाउ, यहाँ पे टाउ सिग्मा, तो इसमें पहले अप्लाई करेंगे तो वन, अब इसमें देखेंगे वन पे वन है और यहाँ पे वन पे कितना है फोर है, तो ये फोर लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब ये टू पे आ जाइए, टू पे यहाँ पे टू है और इस वाले में टू पे भी यहाँ पे टू है, नो प्रॉब्लम। अब इस वाले में थ्री पे थ्री है, यहाँ पे थ्री पे कितना है एट है, एट लिख लेंगे। फोर पे आ जाइए, फोर पे एट है, यहाँ पे एट पे क्या है सेवन है, यहाँ पे सेवन हो जाएगा। फाइव फाइव पे कितना है फोर है और यहाँ पे फोर पे कितना है थ्री है, ये हो गया। नेक्स्ट अब सिक्स पे सिक्स है और यहाँ पे सिक्स पे सिक्स है, नो प्रॉब्लम। सेवन पे देख लीजिए, सेवन पर सेवन है और यहाँ पे सेवन पे क्या है वन है। नेक्स्ट एट टू एट पे क्या है फाइव है, तो यहाँ पे फाइव पे क्या है फाइव है, ये हो गया। तो अब देखिए ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी है चला गया, खत्म हो जाएंगे। तो अब जो बचा है हम उसको लिख लेना है यहाँ पे, तो वन फोर जाएगा, फोर सेवन आ गया, सेवन वन आ गया, थ्री एट आ गया, एट फाइव आ गया, फाइव थ्री आ गया। तो अब जो डिसजॉइंट साइकिल बन गया, वन फोर सेवन हो गया, थ्री एट फाइव, ये बन गया हमारा डिसजॉइंट साइकिल दोनों। तो इस तरह से ये टाउ एंड सिग्मा मिल गया। तो ये ध्यान में रखना है, इसे प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर ये नहीं दिया होता तो सिर्फ ये जो कोफिशियंट है ना, ये वाला और ये वाला दोनों अल्टरनेट हो जाते हैं। अगर ये वाले कंडीशंस नहीं दी होती तो ये दोनों सिर्फ अल्टरनेट हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो टेक केयर, थैंक यू, एंड फाइनली अगर वो हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks.